एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है हमारा मुनावर का वीडियो, जिसका नाम है पॉलिटिक्स पार्ट टू। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटिक्स को लेके वैसे भी मुनावर की लाइफ में बहुत सारे वेव्स आए थे, आप लोगों को पता है। उसको पकड़ के ले गए थे वो लोग, क्योंकि उसने कुछ बोल दिया था किसी पॉलिटिशियन के बारे में। तो अभी हम वीडियो देखते हैं कैसा है, तो वीडियो एंजॉय करेंगे। और जो भी फर्स्ट विजिटर्स हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सेकेंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लाइफ स्टाइल एंड फूड ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, मार्केट ब्लॉग्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, बाकी बातें हम वीडियो में करते हैं। Let's go. तो स्टार्ट करो, ताली मारना। Please welcome on stage the very funny मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी, मुझे तो वैसे भी ये बहुत क्यूट लगता है। गुड इवनिंग कॉल करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पेंडेमिक के बाद इतने सारे केसेस है, आप फिर भी आए। मेरे पे भी बाहर इतने सारे केसेस है। सो एक साल हो गया कंप्लीट तबलीगी जमात को। क्या किसके फ़ोन बज रहे? रिकॉर्ड किया ना तुमने? ऐसे इस मतलब मेरे को फ़ोन नहीं दिख रहा, लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ्लैश चालू है। लड़के लोग MMS बना रहे हो। यस यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, तो जो जोक होते हैं, मेरे जोक या किसी के भी जोक मोस्टली फिक्शनल होते हैं, आप लोग सबको पता है, राइट? बिल्कुल। ये जो फिक्शनल होते हैं झूठ होते हैं, ठीक है? तो इस हफ्ते वेस्ट बंगाल में स्टेज पे खड़े रह के झूठ बोलने वाला मैं पहला गुजराती नहीं रहूँगा। लोग इतना ज़्यादा मतलब कर देते हैं, कॉमेडी बना देते हैं शाउटिंग से। So my name is Munawar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. ये जोक मैंने एक साल पहले डाला था YouTube पे, तो सब लोग पागल हो गए, राइट विंग वाले को आउटरेज चालू हो गया, कैसे कैसे बोल दिया गुजरात क्या करो। तो मैंने इसका सीक्वल जोक लिखा। द सीक्वल जोक इज, आई थिंक आई सर्वाइव्ड बिकॉज आई बिलीव गवर्नमेंट इज नॉट गुड इन कम्प्लीटिंग द टारगेट्स। आप लोगों को भी पता ही होगा कि इस पे केसेस हो गए थे काफी। कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मैं जोक करता हूँ डार्क जोक, सटायर, पॉलिटिकल, इस तरह के जोक करता हूँ, कितने लोग ऐसे जो वो सुनते हैं? आई हैव बैड न्यूज फॉर यू गाइस, आई हैव बैड न्यूज। मैं गांड फट गया भाई, मेरे को नहीं करना है। देखो जब तक ऑनलाइन हेट आ रहा था तब तक ठीक था। सही बात है। ऐसे कमेंट आ जाते थे YouTube पे कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढ, डॉक्यूमेंट्स कटवे। फैंस भी है, वो लोग रिप्लाई कर देते थे तमीज से भड़वे। तो ये ऑनलाइन हेट था, वो तो ठीक था। मुझे कमेंट कुछ भी आते थे। एक कमेंट आया, उसने लिखा आई एम स्कैर्ड टू कमेंट ऑन योर वीडियो। अब मैं सोच रहा हूँ ये अक्षय कुमार मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों कर रहा है। बट वो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा कि देश के बाहर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। बहुत बढ़िया यार ये बंदा। हाँ हाँ, ये अक्षय कुमार पे जोक क्या था? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अक्षय कुमार ही है। आई लव अक्षय, पहले से पसंद है, बट मुझे पहले ज़्यादा पसंद है। कौन से टाइम पे पता है? वो वाले भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की, वो गाना भी मेरा फेवरेट है। बट मुझे सिर्फ डांस नहीं पसंद, क्योंकि वो गाने में डांस में स्टेप ऐसे है भोली भाली लड़की। मैं लाइक चाहे जितनी भी भोली हो
फेस देखिए उसका लुक देखिए, तरीका गलत है। फिर लड़की का लाइन है, लड़की का लाइन है नहीं नहीं अभी नहीं, उसने हाँ ऐसे होता है, लेकिन लड़की का स्टेप है, लड़की का स्टेप पता है क्या है? नहीं नहीं अभी नहीं, साउंड से वो अभी नहीं, नहीं पिया। ये रिफ्यूजल है, ये दावत है। तो ये था बॉलीवुड जोक, मजा सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट, मैं जिंदा, बस अभी सेफ रहेंगे, कोई रिस्क नहीं ले। मैंने और एक बॉलीवुड सुन, May 2019 एक मूवी रिलीज हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी। हाँ हुआ था, देखा तो मैंने भी नहीं, सुना है मैंने। व्हाट, ये बॉलीवुड जोक है? तो एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। अब उसी दिन सेम डे और एक मूवी रिलीज हुआ, किसी को पता? सेम डे नहीं नहीं नहीं, डिज्नी का अलादीन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी के सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और फुटफॉल्स यहाँ ज्यादा है भाई। वो वैसे भी मतलब मोदी जी तो वैसे भी क्या ही बोल सकते हैं। मैं भी क्या देखने, पीएम नरेंद्र मोदी। तो मल्टीप्लेक्स वाला बोलता है 3 लोगों में शो चालू नहीं करते। तो वहां से विवेक ओबेरॉय, संबित पात्रा दोनों डिसअपॉइंट होके चले गए। ये ना अभी भी उन्हीं से रिलेट कर रहे हैं। गया देखने फिर अलादीन। अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया, मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है। अलादीन फकीर आदमी है। और झोला लेके घूम रहा है। कालीन पे बैठ के इधर उधर इधर उधर। ओ मोदी जी घूमते रहते हैं ना इधर उधर इधर उधर। भाई मोदी फैंस के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया हमारे पीएम है। सबने देखी, अब आप लोग सुन ही सकते हैं, हम लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। अलादीन का एक तोता रहता है, पता है क्या नाम उसका? योगी यागो। ओ सॉरी योगी, योगी गंदी आ गई। सॉरी इट्स यागो, इट्स यागो। मैं वो कंफ्यूज हो गया, तोता ऑरेंज कलर का। तोता ऑरेंज कलर का, समझ गए यूपी वालों, सबको कनेक्ट कर रहा हूं। अलादीन का बेसिक नरेशन सभी को पता है, अलादीन ब्यूटीफुल मूवी। जब भी अलादीन को अपनी कोई भी विश पूरी करनी होती है तो वो अम्मा चिराग घिसता है। अभी भी लिए इसमें किसी को मैं नाम नहीं लूंगी, अगर आप लोगों को पता चला तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चिराग में से जिन बाहर आता है, अलादीन को पूछता है क्या ख्वाहिश है तेरी, बता, 3 विश पूरी करूंगा, पहली विश बता। अलादीन बोलता है राजा। राजा यार कितना प्यारा है ये। दूसरी विश पूरी कर, अब बात है थर्ड विश। थर्ड विश बची हुई अलादीन के, और इट्स अ क्लाइमैक्स, ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मूवी, मुझे बहुत पसंद है उसकी। उसमें जिन लोग उड़ते रहते और अलादीन को जिन को बचाने के लिए किसान, सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी लास्ट विश जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो किसको बचा सके, जिनको। हाँ तुम लोग कोई भी अगर अम्मा नहीं बोलता ना, मैं बोलता है उसको बचाने की जरूरत नहीं। तो ये था हॉलीवुड जो शो का लेवल बढ़ रहा है, देख रहे हो कहाँ से शुरू किया था, हाथी चिट्टी, बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड पहुँच गया। अभी हॉलीवुड से आगे, हॉलीवुड से आगे पता है क्या है? नहीं, हॉलीवुड से आगे है इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी देखी है सबने? इट्स बियॉन्ड हॉलीवुड, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये जोक है इंसेप्शन जोक, ठीक है? तो मैं सो रहा था
और मैं सपना देख रहा था, तो मेरे सपने में होम मिनिस्टर साहब। अपन थोड़ा खफा रहते ना, तो मैं सो गया ना। मेरे को बोले सुन तो ले, तुम्हें आधार कार्ड दिया, मतलब जाओ यार। सोने दो, सुबह जॉब पे है। जॉब है ढूंढने आने। ना क्या है बोलो? बोलते तुम मुस्लिम्स के साथ जो लिंचिंग हो रही है ना इंडिया में, मैं उसका सल्यूशन लेकर आया। ओह, वापिस बोलो जरा, मेरे को सुन के यकीन नहीं हो। मतलब ये क्या सही में? और क्या मतलब क्या सल्यूशन? मतलब जस्ट इमेजिन, मैं तुझे एक चीज बता दूँ सल्यूशन। तो मैं हाँ बोलो, इमेजिन कर रहा हूँ, आज से सभी मुसलमानों को सीने पे बम बांधना लीगल। बोले ये कैसा सल्यूशन हुआ? बोले आओ अभी इमेजिन कर। बोलो 40 लोग जब एक आदमी को मारने जाएंगे और वो आदमी का शर्ट के दो बटन खोल देगा, तो 40 लोग की क्या कंठ फटेगी? नहीं, वो जब उसको मारने जाएंगे कि मारो मारो इसके पेट में बीफ है, मारो इसको, एक समझदार होगा ना, बोलेगा सीने पे RDX से भागो। ऐसी फटेगी, उन लोग खुद टिफिन से निकाल के खाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो चिकन है। अरे अब्दुल्ला भाई, ओ अब्दुल्ला भाई ये तो चिकन है। बोले हाँ यहाँ पे चिकन है ना, लैब में जाएगा बीफ हो जाएगा। मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है, बट अच्छा तो बनाओगे? बोले वो भरोसा ये होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। बोला अच्छा बनाओगे कि नहीं? बोले वो भरोसा करो, वो भरोसा करो, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, लोग मरते, ये तो बम है। और बोले ये सिर्फ लिंचिंग का सलूशन नहीं है, और 3 बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। बोला क्या है? तो बोले फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंजीनियर्स को हम जॉब नहीं दे पाए उनको बम बनाने का। सॉरी सभी इंजीनियर्स को, मतलब समझ लो जो इंजीनियर सुसाइड कर रहे थे अब सुसाइड बम बना रहे। बोले दूसरा सुन, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेफ है, अशफाक आएगा ना ड्यूटी फ्री में बम लेने। दो लक्ष्मी बम पार्सल, लक्ष्मी बम पार्सल कराची के मदरसा में फोड़ेंगे। बोला तीसरा, बोले वुमेन सेफ्टी। बोले ये होंगे स्मार्ट सोसाइटी बम बुरखे के अंदर इनके। वो बोलते ना रजिया बुरखे में बम लग रही है, रजिया के बुरखे में बम है, रजिया के बुरखे में बम है। अब रजिया गुंडों में फंसेगी, गुंडों की फटेगी। होना चाहिए वैसे ये। मैं बोला यार क्या बात है, मतलब तुमने तो मतलब 3 बड़े सोल्यूशन, मतलब एक चिड़िया से 3 पत्थर मार दिए। सही बात है। व्हाट मैं आप लोग ऐसा क्या, मैं ऐसा उल्टा, ये टेनेट जोक था। अभी तुम लोग 3D में देख रहे हो कॉमेडी। तो मैं तो सुन के ही खुश हो गया। बोले होगा स्मार्ट सुसाइड बम, 24/7 अवेलेबल, फ्री डिलीवरी अमेज़न, अमेज़न फ्लिपकार्ट, अमेरिकन कंपनी से बेटर बॉम्ब डिलीवर कौन करेगा? सही बात है। आप सोच रहे हो भाईचारा कितना बढ़ जाएगा, स्मार्ट सुसाइड बम है ना, कोई भी बोलेगा गो टू पाकिस्तान। मैं तो सपने में ऐसा सोचने लगा यार ये तो अच्छा आदमी है, मैं सपने में सोच रहा हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देखा। ये आदमी को अपन गलत समझते हैं, ये तो अच्छा है। मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा कि मैं मुनव्वर से मनोहर कर लूँ। ये करे उन्होंने सबके नाम चेंज। मैं इमेजिनेशन में चले गया, आप देखो ना स्कूल में रोहन को नाखून टेक चेक करे पीटी टीचर, लेकिन रेहान को चेक करने बम स्क्वाड आ गया। रेहान ने बम नहीं बांधा, प्रिंसिपल कंप्लेंट कर। मिसेस खान कितनी रिस्पॉन्सिबल माँ हो आप, रेहान को बम बांध के नहीं भेजो।
बोलते मैडम गर्मी होता है। कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट जब तो इतनी अच्छी चीज़ आप सुनते हो देखते हो तो आपको उसके डिसएडवांटेज भी दिखाई देते। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा व्हाट इफ लिंच करने वालों ने बम को डिफ्यूज करना सीख लिया। बोले ओ बच्चों पढ़े लिखे तुम। बोलो, बोले मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। हर बम के अंदर दो तार हो, एक होगी सैफरन कलर की और दूसरी होगी ग्रीन कलर की। बोले देख सैफरन वाली तो लोग काटेंगे नहीं, और हरा कौन सा पहली बार कटेगा। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो बहुत अच्छा था, मेरा पूरा कंसंट्रेशन वीडियो के ऊपर ही था बस। ये वही ना पॉलिटिक्स को लेके हाँ। था, ये बीच में भी फंसा भी था, लेकिन इसने फिर भी पूरे वीडियो में उनके बारे में ही मतलब सरकास्टिक वे हाँ। में बताया, मोदी जी हो गए या फिर हमारे योगी हो गए, हमारे अमित शाह हो गए, उनके बारे में ही कहा। वीडियो अच्छा, और बाकी मुझे तो ये बड़ा क्यूट सा लगता है, इसके एक्सप्रेशंस, इसके बोलने का तरीका, कैसे बोलता है ये, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो आज का वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी वीडियो इन्जॉय किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।